कल यानी शनिवार को जब रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे भवन में अमित शाह की बैठक चल रही थी, तब छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को कार्यालय में एंट्री नहीं मिली और उन्हें बाहर से ही रवाना कर दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस तरह एक वरिष्ठ नेता को गेट से भगाना आपत्तिजनक है। ननकीराम कंवर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और वरिष्ठ आदिवासी नेता है। बीजेपी की ये हरकत बताती है कि वो आदिवासी नेताओं का अपमान करती आई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के गेट से, जहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह बैठक ले रहे थे, वहाँ से वरिष्ठ भाजपा नेता ननकीराम कंवर को हराया जाना बेहद ही आपत्तिजनक है। ननकीराम कंवर इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता है। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में स्थापित करने में उन्होंने अपना खून पसीना लगाया है, लेकिन जिस प्रकार से उनको अपमानित करके भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे के गेट से वापस किया गया, या कहें कि उनको खदेड़ा गया।